हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग मनी चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम लोग देखेंगे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब तो होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है वेट बी बारो आर लेट मनी ऑन इंटरेस्ट। जब हम जो है उधार लेते हैं ब्याज पर कोई धन, द फॉलोइंग टर्म आर इन्वॉल्व, तो उसमें जो है कौन कौन टर्म इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल इसमें आ जाएंगे। नंबर 1 जो है क्या होता है, प्रिंसिपल पी आर आई प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, इट इज द मनी बारो आर लेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल। इसको कैपिटल भी कहा जाता है, प्रिंसिपल भी कहा जाता है, दोनों आप जानेंगे। मतलब जो मनी हम जो है उधार लेते हैं किसी से या किसी को देते हैं तो वो प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम कैपिटल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला आता है वे, सेकेंड क्या होता है आर ए, प्रिंसिपल को कैपिटल भी कहा जाता है और रेट क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ द कैपिटल या प्रिंसिपल, इट इज यूजली फिक्स्ड एंड इज कॉल्ड रेट पर एनम। ठीक है, जो परसेंटेज होता है प्रिंसिपल का, जो परसेंटेज जिस दर पर जो है हमको, जैसे हमने 100 रुपए जो है किसी से उधार दिए और हमको 2% वार्षिक उसका जो है इंटरेस्ट देना है, तो 2% जो हुआ बच्चों, 2 क्या हुआ, ये 2 हो गया आपका रेट। ठीक है, उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हो रहा है इंटरेस्ट, थर्ड में आपका इंटरेस्ट आई एम इंटरेस्ट को हम जो है आई एफ करते हैं, एफ आई को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई आप ध्यान रखते हैं, एफ आई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने 200 रुपया 200 रुपीज किसी से जो है बारो लिया, तो 2% पर एनम के रेट से हमने जो है उसको इंटरेस्ट दिया, तो 1 वर्ष के बाद या 1 ईयर के बाद जो है हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए 100 रुपीज पर 2 रुपीज, तो 200 रुपीज पर कितना हो जाएगा, 4 रुपीज हो जाएगा। तो 4 रुपीज ही क्या होगा, वो आपका एफ आई का सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब आता है अमाउंट, फोर होता है अमाउंट, ए एम ओ एन ए, अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट का मतलब होता है नित्य धन। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि 200 रुपये सिंपल है, हमने किसी से बारो दिया और रेट पर एनम पर एनम ये रेट हो गया था, तो यह माइनस
ए होता है तो 200 का क्या हो जाएगा, 4 रुपीज हो जाएगा, क्या होगा 4 रुपीज हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट हो गया हमारा। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट को हम हिंदी में प्रिंसिपल करते हैं, उसमें होता है तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एस। ये फार्मूला हमें आपको बता देगा। तो प्रिंसिपल में हम ए इसको ऐड करते हैं तो आपको आ जाएगा 200 ए रुपीज आपका ए अमाउंट है। ठीक है बेटा, इसको अमाउंट कहते हैं। और एक और होता है इसमें टाइम, ठीक है। पांचवा नाम करते हैं, ये होता है आपका टाइम, टाइम को आप टी से लिख सकते हैं, यंग से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये टोटल जो है हमारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं। ये टोटल क्या होते हैं, टर्म होते हैं, इसको टर्म कहा जाता है। टाइम भी करते हैं, इसको टर्म भी करते हैं, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है। इन्हीं पांच टर्मों का पूरा फोर टर्मों का देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला अपना होता है। यहाँ पर आपको अभी आपको बताया गया है एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू टी आर टी अपॉन 100। ठीक है, टी आर टी क्या होता है, इस तरीके से ए जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फार्मूला आपका होता है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले की तरह आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग ऐसे प्योर सेल्फ पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक 7.3 जो कि आपका पेज नंबर 85 पर दिया गया है बेटा। यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए पहला क्वेश्चन था, ये आपको फील करने वाला है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, टर्म है, सिंपल इंटरेस्ट है और अमाउंट है। इसमें कॉलम आपको बना दिया गया बच्चों, ए वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए वाला कॉलम आप देखेंगे, ठीक, ए वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको क्या कह दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल दिया है आपका 12,000 रुपीज और क्या दिया है ना, रेट दिया है आपको 8% पर एनम और टाइम क्या है 7 ईयर। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पर क्या क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। देखिए जो ये सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, इसमें हमको 1, 2, 3, 4 टर्म है। 4 में से यदि 3 हमको पता रहता है, 3 पता रहता है, तो जो 4th है वो अपने आप उसको इसी फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1, 2, 3 हमको PRT का यहाँ पर पता है। ठीक है, तो हम यहाँ आई इसी फार्मूले से उसको निकालेंगे। तो यहाँ से होगा SI इक्वल PRT अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला है। अब उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, घर साइड का भी लिख सकते हैं, पी का वैल्यू कितना होगा
यहाँ देखिए रिकॉर्ड हमसे 20 into, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करने का दिया 50 हो गया। अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दिया था ऐसा ही मिलेगा। और उसके बाद आपको ये जो एसआई आया है उसको एसआई वाले कालम में आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, हर गुला में आपको यहाँ दिया गया है प्रिंसिपल से प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 12,000 प्लस 6,720 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,720। ये आप इसको लिख लेंगे, ये दोनों आंसर आपका आएगा। ई है इसको आप लिख लेंगे और ए है तो आपका यहाँ से लगा रहा है इसको आप देख लेंगे, दोनों आंसर आप फिल कर लेंगे उसमें। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, आगे का क्वेश्चन है इसी तरह की बी है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या करना है, प्रिंसिपल दिया है आपका 500 रुपीज, रेट दिया है आपका 11%, और आपको दिख गया है सिंपल एक से एस आई यहाँ एस आई ने आपको दिख गया है क्या क्या है एस आई ₹200। आपको निकालना क्या क्या है, इसमें टाइम निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट तो आप बैंक से निकाल सकते हैं, सबसे पहले अमाउंट निकाल लीजिए। आपको बताया गया है था प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूले का यूज करेंगे आप यहाँ पर। और ये दोनों आपको दिया हुआ है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5,000, क्योंकि जगह कम है तो हम इसके आगे इसके जगह रहे ना, यहाँ पर आप 220 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिए करते हैं, यहाँ पर आपको समझ आएगा, यहाँ पर 5,000 + 220 ऐड कर देंगे 700 क्या जाएगा ₹700। ये आपका एक आंसर आ गया जिसको आप जोर कर सकते। उसके बाद आपको निकालना है तो टाइम, तो टाइम का फार्मूला निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए टाइम इक्वल हो जाएगा एस आई 200 × 5 टाइम का फार्मूला, उसकी वजह से आप निकालेंगे टाइम इक्वल टू एस आई 200 × PR। ये फार्मूला आप यूज करेंगे और यहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं, लीजिएगा एस आई का वैल्यू आपका है 220 × 100 / प्रिंसिपल है 500
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट कर लेंगे। सब फार्मूले के रूप से जो है आगे इसमें काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, सी में आपको दिया है, रेट में दिया है 9% और क्या दिया बेटा, टाइम दे दिया है 4 ईयर और क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ये टाइम दे दिया है आपको 108 रुपी। आपको खुद क्या क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, रेट आपको फाइन करना है उसको, और क्या पूछ रहा है, जो जो फाइन करना है आप लिख रहे हैं और आपको अमाउंट फाइन करना है। अमाउंट फाइन करना है आपको, ये प्रिंसिपल फाइन करना है, ठीक है, रेट तो दिया है, प्रिंसिपल आपको फाइन करना है यहाँ पर लिखा। अब जो है आप प्रिंसिपल का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इक्वल एस आई इंटू 100 अपॉन आर पी, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपान आर टी, ये फार्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ पर आप जो है एस आई का वैल्यू पुट करेंगे बेटा 108 इंटू 100 अपान आर का वैल्यू 9 इंटू टी का वैल्यू 4। और यहाँ भी आप कट करेंगे इसको, देखिए 4 से कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए ये 9 से कट हो रहा है, 9 बन जाए 9 और 9 हो जाए 18। क्या क्या बचा आपका, आपका बचा है 12 25 मल्टीप्लाई करके बेटा 12 5 16 40+6 ये आ जाएगा 300 300 रुपये। ये क्या निकल कर आया आपका 300 रुपये, आपका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, 300 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आप अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट वाले कैलकुलेशन से ए इक्वल होता है प्लस एस आई, तो यहाँ पी का वैल्यू आप क्या करेंगे, 300 प्लस एस आई आपका दिया है 100, एक्स का करेंगे 400 रुपये।
जो है पुट करेंगे, ये आपका प्रिंसिपल आ गया है, प्रिंसिपल में आप पुट कर देंगे और ये अमाउंट है, अमाउंट वाले लिए आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर डी, डी में दिया है तो आपका प्रिंसिपल में दिया है बी इक्वल थ्री थाउजेंड रुपीज और टाइम में दिया है आपको टेन इयर्स और क्या दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट या टाइम में दिया है आपको आपका 1200 रुपीज, 5 करना है आपको रेट, 5 क्या करना है आर और क्या 5 करना है आर के बाद आपको 5 करना है तो अमाउंट ये दो चीजें आपको 5 करनी है। तीन चीज आपको यहाँ पर दिया गया है, तो पहले हम जो है रेट निकालते हैं, रेट का फार्मूला इनपुट निकाल दिया, रेट इक्वल है 5200 अपॉन 3। ठीक है, रेट का फार्मूला आपको दिया है, रेट इक्वल एस आई इंटू 100 अपॉन 3 × 3। ये फार्मूला है एस आई आपने दिखे बच्चों, रेट को 100 × 100 अपान बी का वैल्यू आपको दिया है 3000 × बी का वैल्यू है 10। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ से आप जीरो काटेंगे तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 2 0 8 0 से कैंसिल, सभी चीजों कैंसिल होंगे। ठीक, अब उसी से इसको ट्राई करते हैं, आपको आर मिल जाएगा 3 4 में आप 3 4 4 4 में यार आपने जो लिया यहाँ पर उसका जो टर्म करेंगे 4% आपने क्या निकल गया। अब उसके बाद आपको निकालना है अमाउंट, अमाउंट आप पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं निकाल सकते हैं आप प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये फार्मूला है। यहाँ पर प्रिंसिपल का वैल्यू करेंगे आप 3000 प्लस एस आई क्या क्या है इसका 1200, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4200 रुपीज, ये आपका अमाउंट बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर ई है, एफ है, जी है, एच है, इसको आप फाइंड करेंगे, जो जो इसमें पूछ रहा है आप इसको इसी दोनों फार्मूले का यूज है। ठीक है, यूज करते हुए आप फार्मूला बना करके आप उसको जो है इस तरीके से जो चीज दिया गया रखना है उसको जो डम करेंगे उसके बाद जो फाइंड करना है उसको आप फार्मूले का यूज करके इसको फाइंड कर लेंगे। ये ऐसे प्योर सेल्फ बच्चों आपका कंप्लीट हो रहा है, इसमें का क्वेश्चन आपको बी तक हमने कंप्लीट कराया, ई एफ जी एच ये 4 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर दिया गया है, इसमें कहा 4 क्वेश्चन आप होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका है शॉपिंग, शॉपिंग से रिलेटेड है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।